तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ होली की स्पेशल फोटो एडिटिंग जो काफ़ी मस्त है। और आपको भी पता है होली कुछ ही दिनों में आने वाली है, तो क्यों ना हम 4-5 दिन पहले ही अपनी फ़ोटो एडिट करके रखें ताकि पोस्ट करना ही बाकी रहे। तो गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको स्नैपसीड ऐप ओपन कर देना है एंड उसके बाद आपको पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे पोर्ट्रेट का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इससे हमारा फेस जो है ऑटोमेटिक ब्राइट एंड स्मूथ हो जाता है, तो देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ से आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर से आपको पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर डबल एक्सपोज पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर प्लस वाला जो आइकन है उस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे एक PNG ऐड करनी है। तो PNG की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद आपको यहाँ पे बीच में जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कर देना है। तो गाइस उसके बाद आपको यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ से अंडों के निशान पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे व्यू एडिट सेलेक्ट करके डबल एक्सपोज पर क्लिक करके आपको यहाँ पे ब्रश ले लेना है और उसके बाद अपने फ़ोटो को कर देना है आपको जूम और अपने टी शर्ट पर कुछ इस तरीके से आपको पेंट कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ। गाइस मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से पेंट कर रहा हूँ। तो गाइस हमारे टी शर्ट पर तो पेंट हो गई, तो कुछ फेस पर भी कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फेस पर कर देता हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो गाइस आपके फ़ोटो के हिसाब से आपको फेस पर और हैंड पर भी कुछ इस तरीके से पेंट कर देना है। तो यहाँ पता है मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। तो गाइस यहाँ से आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर से आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके डबल एक्सपोज पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और एक और PNG ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस PNG को ऐड कर देता हूँ। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है और इसकी ओपेसिटी को फुल कर देना है और यहाँ से आपको कर देना है सीधा डन। उसके बाद गाइज आपको फिर से अंडों के निशान पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर व्यू एडिट सेलेक्ट कर देना है और आपको ब्रश ले लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। तो गाइज अपने फ़ोटो को जूम करके आपको कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड में पेंट कर देना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और गाइज मैंने जितनी भी PNG यूज़ किए उन सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर दिया और यहाँ से आपको कर देना है सीधा डन। तो गाइस उसके बाद आपको सीधा आ जाना है बैक और फिर से पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर डबल एक्सपोज पर टैप कर देना है और यहाँ पर प्लस का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करके एक PNG ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं इस PNG को ऐड कर देता हूँ। तो गाइस इस PNG को आपको कुछ इस तरीके से फेस पर एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सब्सट्रेट पर क्लिक कर देना है। तो गाइस उसके बाद आपको फिर से अंडों के निशान पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर व्यू एडिट्स पर क्लिक करके आपको ब्रश ले लेना है और ब्रश की ओपेसिटी को आपको रख देना है 50 और अपने फेस पर कुछ इस तरीके से आपको पेंट कर देना है। तो देख सकते हैं हमारी फ़ोटो में एक होली वाली टोन जो है आ चुकी है। तो गाइस उसके बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फ़ोटो जो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है और एक लास्ट स्टेप बाकी है, वो है होली की PNG ऐड करना। तो वो अपन पिक्सलैब ऐप के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पिक्सलैब ऐप के अंदर शेयर अपने फ़ोटो को। तो यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और पिक्सलैब ऐप के अंदर ओपन कर देना है। तो हमारी फ़ोटो जो है पिक्सलैब ऐप के अंदर ओपन हो चुकी है और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से गाइज आपको ये PNG ले लेनी है। तो गाइज इस PNG की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस PNG को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है और आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर शेडो का जो ऑप्शन दिखाई देगा तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप शेडो पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर इनेबल करके आपको येलो कलर सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं येलो कलर ही रहने देता हूँ और यहाँ से गाइज आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सेव इमेज पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर आपको क्लिक करके, तो गाइज यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देता हूँ और क्वालिटी आपको लेनी है अल्ट्रा, इससे हमारा फ़ोटो जो है HD में सेव हो जाएगा।
तो गाइस हमारी फोटो जो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।